दोस्तों दुनिया में ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हमारे अंदर होती हैं, बट कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी स्किल डेवलपमेंट या हमारी पर्सनैलिटी के लिए अच्छी होती है, पर कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी या स्किल या पर्सनल जो डेवलपमेंट के लिए उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती हैं। देखा जाए तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, पर इसमें मैं आपको अगर सिर्फ 5 बातें आज बताना चाहता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ, और हो सकता है कि वो आप भी फॉलो करते हो, पर अगर आपको इन 5 बातों में से आप कोई भी एक चीज़ का फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अपनी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए आप इसको अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो पहली बात कि दूसरों की बुराई मत कीजिए। दोस्तों बहुत से लोग, आपने बचपन में सुना होगा कि बहुत से लोग ये कहते थे कि अगर दूसरों के सामने तीसरों की बुराई कभी नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ मैं इसमें मानता हूँ, मैं ये बात समझता हूँ कि अगर कोई किसी की बुराई कर भी रहा है तो हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहिए। दोस्तों होता क्या है कि अगर हम किसी दूसरे की बुराई करें या किसी दूसरे की बुराई सुने तो ये बेसिकली ये एक निगेटिविटी को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आपके सामने किसी और की बुराई कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कल को आपकी भी बुराई किसी और के सामने कर सकते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए और इग्नोर करके आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप किसी और को बुराई दे रहे हैं, अगर आप किसी और की बुराई सुन रहे हैं तो आपकी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुराई कर रहा होगा। दूसरा पॉइंट बनता है कि हमें अपने अंदर को किसी बाहर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, किसी के बाहर के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे दुखों का कारण ये दूसरों की, हमारा अपना दुख नहीं, दूसरों की खुशी होती है। और दोस्तों इससे थोड़ा ऊपर उठिए, देखिए जो भी किसी की क्या अच्छाई होती है, किसी की क्या बुराई होती है और किसी की क्या असलियत होती है वो व्यक्ति खुद ही जानता है, आप नहीं जानते हैं। आप उसका वो भारी रूप देखते हैं और हो सकता है वो बनावटी हो सकता है वो नकली हो, और आप अपने अंदर के रूप को उसके भारी रूप से कंपेयर करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसी कंपैरिजन करना व्यर्थ है। तो अगर आप किसी अपने अंदर की सोल को किसी बाहर के साथ कंपेयर करते हैं तो वो कंपैरिजन व्यर्थ है। दोस्तों ये मत कीजिए, अपने काम को इम्प्रूव कीजिए। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने छोटे छोटे काम या अपने कोई से भी काम को किसी के ऊपर डिपेंड मत रखिए। मतलब अगर आपको लगता है कि अगर आपने अपने अंडर में कोई बंदा रखा हुआ है या आपका या आपके कोई दोस्त हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं जो कभी कभी आपका छोटा मोटा काम कर लिया करते हैं, जैसे कि कोई रिचार्ज कटाना है या आपका जो भी आप काम करवाते हैं किसी से, तो आप क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप उस काम के लिए दूसरों से अधीन हो जाते हैं। अगर सपोज वो दूसरा काम नहीं करेगा तो वो काम आपका लटक जाएगा। दोस्तों कोशिश कीजिए कि जो भी आप अपना काम करना चाहते हैं उसका एक टास्क बनाइए, एक समय सीमा बनाइए, उस समय सीमा के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए, अपना काम खुद कीजिए। और ऐसे में आप कभी भी अपना काम दूसरों पर अगर कभी आप देते भी हैं और मान लीजिए वो नहीं करता है तो आप वो खुद से भी वो काम कर सकेंगे। जबकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये मान के चलिए कि जब तक वो काम दूसरा नहीं करेगा या दूसरा काम दूसरा आपको लेट लटका रहा है किसी की वजह से, तो आपका काम भी ऐसे ही लटकता रहेगा दोस्तों, और आपका भाग्य भी ऐसे ही लटकता रहेगा। तो दोस्तों अपना काम स्वयं कीजिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि जो बीत गया उस पर अफसोस मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप एक बार, मतलब आप रो कर किसी को अगर बता रहे हैं तो एक बार बताइए, दो बार बताइए, पर तीसरी बार उसको बिल्कुल मत बताइए। दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि जहां हम अगर हर जगह जाकर अपनी दुख भरी कारण या दुख भरा हम अपना बताएं कि देखो मेरे साथ ये हो गया है। दोस्तों दूसरों के सामने अपने दुखों का रोना ये एक आपकी कमजोरी हो सकती है। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो दूसरों के सामने आप कमजोर और निर्बल आप अपने आप को प्रकट करेंगे। दोस्तों मेरा ये मानना है कि जो भी आपने अपनी लाइफ में आपके साथ बुरा हुआ है उससे आप सीख लीजिए, और अगर कभी नेक्स्ट टाइम पे ऐसा इंसिडेंट होने का हो तो आप उसको कोशिश कीजिए कि आप उसको कितना अच्छा उसको आप कर सकते हैं, आप उससे कितना बच सकते हैं, या उसको ना होने आप ऐसा प्रयास कीजिए कि वो ना होए वापस आपके साथ। पर अगर दोस्तों वो बार बार आप लोगों के सामने जाकर रोएंगे तो ऐसे में आपकी भी प्रतिभा कम होगी, और दूसरी बात लोग भी आपसे छटकना चालू कर देंगे, जो आपका आज सिंपैथी दे रहे हैं हो सकता है वो कल आपके साथ साथ भी ना बैठे। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछता है ना कि आप कैसे हैं तो मुस्कुरा के बताइए सबको कि मैं बहुत बढ़िया हूँ। सबको बोलने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ में ये प्रॉब्लम है, आपके साथ में वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो उससे आपको कोई हल भी नहीं मिलने वाला है, उल्टा आप उसके सामने कमजोर ही महसूस होंगे उसके सामने आप कमजोर ही अपने आप को महसूस कर। उस पर फोकस कीजिए जो आप चाहते हैं, उस पर नहीं जो आप नहीं चाहते। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि हम अपनी लाइफ में जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें वो आश्चर्यजनक रूप से उस चीज पर हमें वृद्धि होने लगती है,
और बेसिकली हमें उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जो चीज़ हमें चाहिए, ना कि उस चीज़ पर जो कि हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अच्छी इनकम चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी इनकम में वृद्धि हो, तो आप महंगाई और खर्चों पर अपना वार्तालाप करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, बल्कि आप इनकम किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, इनकम आप किस कौन कौन से नए नए आइडिया ला सकते हैं इनकम बढ़ाने के, आप उस पर ज़्यादा आप अपना दिमाग लगाइए। और जबकि इस पर मत लगाइए कि सरकार ने इनकम घटाने या सरकार ने आपको क्या मोनिटाइजेशन जो ये सरकार कर रही है उस पर आप यहाँ वहाँ के व्यर्थ समय मत गवाइए दोस्तों, और उन लोगों से साथ बिल्कुल मत रहिए जो इस तरह के व्यर्थ बातें करके अपना टाइम पास करते हैं। आप उन लोगों के साथ अपना समय बताइए जो समय समय पर अपने काम को इम्प्रूव करते हैं, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करते हैं, और हर समय काम को लेकर अपने एक दूसरे से बातें करते रहते हैं दोस्तों, और हर समय काम को लेकर अपने दिमाग में नए नए आइडियाज आते लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये 5 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। मैंने अपने जीवन में इनको उतारा है और मुझे जो मुझे सफलता आज मुझे जीवन में मिली है और जितना भी मैं सक्सेस हूँ, तो इन 5 पॉइंट का इसमें बहुत बड़ा मेन अहम हिस्सा है दोस्तों। तो अगर आपको लगता है कि इनमें से आप एक भी पॉइंट चूक रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए और इस पर काम कीजिए, इस पर ध्यान लगाइए। आप देखेंगे कि आपकी जीवन की सफलता, आप देखेंगे कि आपकी जीवन की जो गाड़ी है वो कभी नहीं रुकेगी और वो इतनी आगे जाएगी जितना आपने कभी सोचा नहीं था। तो अच्छे नए नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने ग्रुप में और फेसबुक में इसको टैग कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। वंदे मातरम।